बैगन भाजा बेस्ट साइड डिश होती है किसी भी ओकेजन, फेस्टिवल या जब अगर गेस्ट आ रहे हो तो। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बहुत ही चटपटी सी टेस्टी सी बैगन भाजा की रेसिपी बता रही हूँ और बहुत ही एक सीक्रेट टिप्स के साथ बता रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बैगन भाजा बहुत टेस्टी बनेगा और जब भी आपके घर कोई गेस्ट आएंगे आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो बैगन भाजा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोल वाले जो लंबे गोल बैगन आते हैं ना वो, और दो लहसुन, दो बैगन के लिए दो लहसुन, ये मात्रा इक्वल होती है इसलिए ऐसे ही निकाल। अब इसके स्लाइसेस काटने हैं, बहुत सारे लोग बैगन भाजा के स्लाइसेस बहुत ज़्यादा पतले काट लेते हैं तो वो सर्व करते नहीं बनता, इसीलिए आपको इतने चौड़े स्लाइसेस काटने हैं बैगन के जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने चौड़े। इस तरह से पहले चाकू को इन कर लीजिए और उसके बाद इसके स्लाइसेस काट लीजिए। जो गोल वाले भरते वाले बैगन आते हैं ना, बैगन का भरता जिससे बनाते हैं, उसके भी बैगन भाजा बहुत अच्छे बनते हैं, बट वो सीजनल होते हैं जो हर समय नहीं मिलते हैं, और हर समय जो ये वाले बैगन मिल जाते हैं। अगर बैगन में कीड़े ना हो तो बैगन कंप्लीट नहीं होता। अगर आप तीन बैगन मंगाते हैं तो तीन में से एक में कीड़ा ज़रूर निकलता है, तो बैगन को जब काटे तो इस तरह से अगर कीड़े निकले तो उसको राउंड शेप में काट के कीड़ों को निकाल दीजिए और उसके बाद फिर उसी तरह से स्लाइसेस इसके काट लीजिए। तो दो बैगन के स्लाइसेस मुझे काटने हैं, मैं आपको कट करके दिखा के, अब मैं पूरे स्लाइसेस कट करके तब दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये सारे स्लाइसेस कट गए, समय बचाते हुए मैं बहुत ही फास्ट उसमें आपको बताऊंगी ताकि आपका समय कम लगे और आप इसको फटाफट से 5 मिनट में बना सकते हैं इस बैगन भाजा को। मतलब अगर सडन गेस्ट आ जाएं तो आप तैयार है। ये है लहसुन का पेस्ट, वही जो दो लहसुन छिला था उसका पेस्ट बना लिया है पानी डाल करके। और अब इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर सिर्फ अभी ये मैंने इसलिए मिलाया है कि जिन लोगों को नमक का आइडिया इसमें अंदाज़ा नहीं लगता है वो इसमें नहीं मिला है नमक। इस तरह से बैगन के वन साइड और टू साइड में, इस तरह दोनों साइड में आपको इसको पेस्ट को लगा देना, और जिन लोगों को नमक का आइडिया अंदाज़ा लग जाता है तो इसमें 1.5 चम्मच नमक मिला करके मिक्स कर लें और बैगन के एक साइड में लगा के दूसरा टुकड़ा बैगन इसी पे रब कर दें यानी रगड़ दें, तो बहुत ही फटाफट से ये बैगन के दोनों साइड में पेस्ट इस तरह से लग जाता है। तो मैं भी बिल्कुल फटाफट से ये काम करने वाली हूँ, थोड़ा सा पेस्ट डालूंगी, फटाफट से इसको रगड़ूंगी दोनों पीसेस को और अलट पलट के दोनों डायरेक्शन में इसका पेस्ट लगा लिया है। अब पेस्ट लगा लिया है लेकिन इसमें जैसा कि मैंने कहा चटपटा बैगन भाजा बना रहे हैं, तो चटपटे बैगन भाजा बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बैगन, 2 लहसुन, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच चटपटा चाट मसाला, इसको मिला लीजिए उस कटोरी में। अब एक पैन चढ़ाइए, सरसों का तेल डालिए अपने अकॉर्डिंग जितना आप डालते हो, मैंने 1 चम्मच डाला, इसको अच्छे से फैला दिया हो, और बैगन को पूरे पैन में इसको मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए और इसको पहले एक साइड लाइट ब्राउन होने दीजिए, जिसको होने में लगेंगे 2 से 3 मिनट। मीडियम फ्लेम पे करिएगा क्योंकि तेज फ्लेम पे करिएगा तो बीच वाला जो है वो जल जाता है, इसलिए आपको पैन को हिला हिला करके इसको सेकना पड़ेगा आगे पीछे करके। और जो चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर था उसको ऊपर से छिड़क दीजिए और इसको वन साइड, जब पीछे के साइड ये लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसको पलटिएगा और उसके बाद से इस मसाले को दूसरे साइड भी छिड़क दीजिएगा, मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। अब अभी तक आप ये रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर कर लीजिएगा और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी वीडियो आप देखनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा होगा उसे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो जरूर मिल जाएगी क्योंकि मेरा चैनल सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो अगर आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो मेरे फैमिली के मेंबर बनना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के पसंद की रेसिपीज़ उनसे शेयर कर सकूँ। अब दूसरे साइड भी मैंने ये मसाले छिड़क दिए हैं और फिर पलट के इसे सेक लूँगी, इसे भी करने में लगेंगे 3 मिनट, यानी टोटल 10 मिनट में आपका ये बैगन भाजा जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए चावल दाल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, सभी के साथ ये बेस्ट डिश होता है। और फेस्टिवल के लिए, रक्षाबंधन हो या फिर दिवाली हो, होली हो, किसी भी सीजन में एक बेस्ट साइड डिश का काम करता है, तो इसे बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल और छिड़क दीजिएगा और इसे जब भी बनाना हो तो बिल्कुल खाना बनाने से पहले इसको बनाइए क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चिक्स चीज़ें आपको ध्यान रखनी हो क्योंकि ये ठंडा हो जाता है ना तो ये सॉफ्ट हो जाता है और बीच से टूट जाता है। तो देखिए बैगन भाजा गर्मा गर्म तैयार हो गया, कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर करना मत भूलिएगा।